स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड सेतु महात्म्य में अश्वस्थामा के द्वारा सोते हुए पांडव योद्धाओं का वध तथा धनुषकोटि में स्नान करने से उनका उद्धार। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वस्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्य को मारने का पाप किया और कैसे धनुषकोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया? तो सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा था। अनेक अक्षौणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 5 दिन बाद युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में करण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य मारे गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसकी झांग तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धाराशायी हो गया। तदनंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सब ने प्रसन्नतापूर्वक शिवर को प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त सृंजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ जब सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए तब सब ने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वस्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूरी दूसरे होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वह धरती पर पड़ा पड़ा छटपटाता था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वस्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सहृदय को देखकर शोकमग्न हो गया। तब अश्वस्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, राजन, इस नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात मैं संजय वंश सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वस्थामा के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य ने कहा, आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वस्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिवर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना की। तदंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वस्थामा शोक से पीड़ित हो वट के समीप बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वस्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा, इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सब के सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहाँ
मांस नामक पक्षी आया। वह बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौओं को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौओं के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौओं का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने मन में यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रु का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है। आज रात मैं पांडवों के शिविरों में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। ये सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग शस्त्र रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गंधारी तथा विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा करें। तब अश्वत्थामा बोला, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, उसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथ पर सवार होकर क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिवर के द्वार पर पहुंचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपा निधान महादेव की आराधना करके उनसे एक उज्ज्वल खड़क प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिवर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोण पुत्र अत्यंत कुपित होकर तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह ध्रुष्टुम्न के शिविर में गया। वहां महायुग से थके हुए ध्रुष्टुम्न आदि अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोए हुए महाबली ध्रुष्टुम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात से जगकर ध्रुष्टुम्न शैया से उठने लगा। उसी समय द्रोण पुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते में ही मार डाला। युधामन्यु और महाप्रकर्मी उत्तमौजा को, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों की को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिवर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे परले काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। तंत्र वह तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरथ तट पर चला गया। वहां शस्त्रोवेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उस ऋषियों के आश्रम में गया। उनके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, द्रोण पुत्र,
तो सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। अतः नर अधम तुम्हारे आश्रम से दूर हो जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित होकर उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहां के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी भद्रक अरण्य में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उनसे कहा, द्रोण कुमार, तो शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुए को मारने के पाप से तुम महापात की हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। अश्वत्थामा बोला, भगवान, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। यदि आप भी ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते ही मनुष्यों को मारने में जो पाप हुआ है उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कारण कि आप सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने धीर काल तक सोच विचार करके उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्मशास्त्र में कोई प्रायश्चित नहीं है, तथापि मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है वह मोक्ष देने वाला है। वहीं धनुषकोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पितरों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुस्वप्न और नरक के क्लेशों का तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो। दुस्वप्न और नरक के क्लेशों का नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो, तो सोते हुए को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन तीनों समय श्री रामेश्वर शिव की सेवा में लगा रहता था। तदंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुषकोटि में स्नान करके उससे श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गई। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव का इस प्रकार स्तवन किया, देवेश्वर आपको नमस्कार है। करना सागर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चिन्नारविंद जहाज रूप हैं। मृत्युंजय त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से बोले, द्रोण कुमार, सोते हुए को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा है वह धनुषकोटि में नहाने से दूर हो गया। अब तुम कोई वर मांगो। तो अश्वत्थामा बोला, महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। तथास्तु कहकर दे महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार पाप रहित
युद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। सूजी कहते हैं, पहले की बात है, बृहद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। वे समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्र याग द्वारा इंद्र आदि देवताओं का यजन किया। परम विद्वान धर्मात्मा रम्य जी उनके पुरोहित थे। रम्य के दो पुत्र हुए अर्वावसु और परावसु। वे दोनों छह अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रोत समात कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय मीमांसा सांख्य वेदांत वैशेषिक योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। मनु आदि धर्म शास्त्रों के वे निष्णांत पंडित और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को सत्र याग में सहायता करने के लिए राजा बृहद्युम्न ने मांगा। पिता की आज्ञा से वे दोनों भाई बृहद्युम्न के सत्र में गए। वे युगल अश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रभ्य मुनि जेठी पुत्रवधु के साथ स्वयं भी आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा बृहद्युम्न के यश को बड़ी उत्तमता से संपन्न कराया। जब वे यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देखकर महाराज बृहद्युम्न ने सबका आदरपूर्वक अर्ध आदि से सत्कार किया। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के सेतु महात्म्य में धनुष कोटि की महिमा, सियार वानर तथा दुराचार ब्राह्मण की कथा और महाले श्राद्ध की आवश्यकता। सूत जी कहते हैं, अब मैं धनुष कोटि की प्रशंसा में सियार और वानर के संवाद का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में एक स्थान पर सियार और वानर रहते थे। दोनों को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे दोनों परस्पर मित्र थे। सियार का नाम रुद्रभूमिष्ठ था। एक समय वानर ने श्रीगाल को शमशान भूमि में देखकर पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए पूछा, सियार तुमने पूर्व जन्म में कौन सा अत्यंत भयंकर पाप किया था जिससे तुम शमशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो। वानर के ऐसा न पूछने पर सियार ने कहा, वानर मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था। मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को देने के लिए संकल्प करके भी वह धन उसे नहीं दिया। उसी से सियार हुआ और अब इस प्रकार के अत्यंत घृणित पदार्थों को खाता हूँ। जो दुरात्मा देने की प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं वे अत्यंत घृणित सियार की योनि में जाते हैं। वानर, ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वे वस्तु उसे ना दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को उचित है कि वह देने की प्रतिज्ञा करने पर उस वस्तु को अवश्य दे डाले। ऐसा कहकर सियार ने वानर से पूछा, तुमने क्या पाप किया था जो वानर हो गए? तो वानर बोला, पूर्व जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमलाल्या था। पूर्व जन्म में भी हमारी तुम्हारी मित्रता थी, तुम इस बात को नहीं जानते हो, परंतु पुण्य के गौरव से मुझे उसका स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था, उसी पाप से मैं वानर हुआ हूँ।
अतः ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक होता है और नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। विष तो केवल पीने वाले को मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन समूचे कुल को जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। उसके पश्चात शेष पापों के फल स्वरूप वह वानर योनि को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, उसके साथ सदा क्षमा का ही व्यवहार करना चाहिए। बालक दरिद्र कृपण तथा वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से शून्य ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। कितने ही समय से ऐसा कष्ट भोगते हुए हम दोनों को इस पाप से छुड़ाने वाला कौन होगा? सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही देव योग से अथवा पूर्व जन्म के किसी पुण्यवश वहां महातेजस्वी सिंधु द्वीप नामक मुनि शिक्षा अनुसार घूमते हुए आ पहुंचे। वे रुद्राक्ष की माला से भूषित होकर भगवान शिव के नामों का कीर्तन कर रहे थे। सियार और वानर ने मुनि को देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, अपनी कृपा दृष्टि हमारी ओर देखिए और हम दोनों की रक्षा कीजिए। हमारी वानर और सियार की योनि जिस उपाय से छूट जाए उसे बताने की कृपा कीजिए। साधु पुरुष सदा किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपा दृष्टि से अनाथों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों तथा रोग पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करते हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर महामुनि सिंधु द्वीप ने मन ही मन बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार कहा, सियार और वानर तुम दोनों के पाप की शांति के लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तुम दोनों दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में शीघ्र जाकर स्नान करो। ऐसा करने से पाप से मुक्त हो जाओगे। सिंधु द्वीप के इस वचन का सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयास से धनुष कोटि में गए और उसके जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक में चले गए। वहां उन्हें इंद्र का आधा आसन प्राप्त हुआ। गोदावरी के तट पर द्रोणाचार्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा पापी निर्दयतापूर्वक कर्म करने वाला था। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, स्वर्ण की चोरी करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी महापातकियों के संसर्ग से दूषित होकर वैसा वैसे ही लोगों के साथ निवास करता था। महापातकियों के संसर्ग दोष से उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता पूर्णता नष्ट हो गई थी। ब्राह्मणता से हीन उस दुराचारी ब्राह्मण को एक महाभयंकर महाबलवान वेताल ने अपने अधीन कर दिया। वेताल के आवेश से अत्यंत पीड़ित एवं परवश होकर वह देश देश और वन वन घूमने लगा। घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में चला गया। वहां वेताल ने प्रेरित करके उसे धनुष कोटि के जल में नहलाया। स्नान करके वह ज्यों ही जल से निकला, वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर विचार करने लगा कि यह समुद्र के किनारे कौन सा देश है? गोदावरी के तट पर निवास करने वाला मैं यहां कैसे आ गया? इसी चिंता में पड़ा हुआ वह धनुष कोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान मैं नहीं जानता ये कौन सा देश है। मेरा घर तो गोदावरी के किनारे है, मैं यहां कैसे आ पहुंचा ये सब बताने की कृपा करें। उसकी ये बात सुनकर महायोगी दत्तात्रेय ने थोड़ी देर तक ध्यान करके फिर कहा,
पहले महापातकियों के संसर्ग से तुम्हारी भ्रामंता नष्ट हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी वेताल ने पकड़ लिया। उसी के आवेश से विवश होकर तुम यहाँ आए हो। वेताल ने तुम्हें धनुषकोटि के जल में नहलाया है। धनुषकोटि में स्नान करने से ही तुम्हारा महापातकियों के संसर्ग का दोष श्रद्धा नष्ट हो गया। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसने अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पार्वन की विधि से पितरों का हर्षपूर्वक महाले श्राद्ध नहीं किया, अतः पितरों के शाप देने से वह वेताल भाव को प्राप्त हुआ। इस धनुषकोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के अत्यंत लोभवश पितरों के उद्देश्य से महाले श्राद्ध नहीं करते वह वेताल होते हैं। जो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में महाले श्राद्ध के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार एक दो या तीन ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भादों के शुक्ल पक्ष से लेकर मार्गशीर्ष मास के अंत तक तत्वदर्शी मुनियों ने महाले श्राद्ध का सभी बताया है। इसमें भी भादों का शुक्ल पक्ष विशिष्ट है, उसकी अपेक्षा भी अश्विनी का कृष्ण पक्ष अधिक उत्तम माना गया है। उस कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को भी जो मनुष्य भक्तिपूर्वक महाले श्राद्ध करता है उसके ऊपर सबको पवित्र करने वाले भगवान अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। वह अग्निलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वितीया तिथि में महाले श्राद्ध करता है उसके ऊपर गिरिजापति भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वह कैलाश को प्राप्त होता है। जो तृतीया तिथि में भक्तिपूर्वक महाले श्राद्ध करता है उस पर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार तृतीया से लेकर चतुर्दशी तक महाले श्राद्ध की उत्तरोत्तर अधिक से अधिक महिमा है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अमावस्या तिथि में महाले श्राद्ध करता है उसके पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। स्वर्गलोक में देवताओं को अमृत पीने से जो तृप्ति प्राप्त होती है वैसे ही अनंत तृप्ति पितरों को अमावस्या में महाले श्राद्ध करने से होती है। अमावस्या तिथि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, वह परम शांत तिथि है। इसमें महाले श्राद्ध करके देवता ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या को श्राद्ध करने वाला पुरुष प्रत्यग आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के आने पर देव स्वरूप पितर हंसते नाचते गाने लगते हैं कि हमारे पुत्र हम लोगों को तृप्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उस भोजन से हमें अत्यंत दारुण नरक का क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा और जब तक चंद्रमा तथा सूर्य बने रहेंगे तब तक हमारा स्वर्गलोक में निवास होगा। पितरों को तृप्ति देने वाला भाद्रपद मास एवं अश्विनी मास प्राप्त होने पर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इससे उसके पितृकुल और मातृकुल के पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर अमावस्या तक मनुष्य प्रतिदिन तीन तीन ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक भोजन कराए। द्वादशी से लेकर अमावस्या तक तो अवश्य ही ऐसा करें। वेदवेता ब्राह्मणों को इस प्रकार भोजन करावे जिससे उन्हें पूर्णता तृप्ति हो। उस ब्राह्मण की तृप्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव तृप्त होते हैं। अग्निश्वात आदि पितर इंद्र आदि देवता और अधिक
कहाँ तक कहें, तीनों लोक भी तृप्त होते हैं। मनुष्य महाल्य पार्वन विधि से श्राद्ध करे। महाल्य श्राद्ध में पितृ कुल के पितरों की ही भांति मातृ कुल के माता मह आदि पितरों को भी प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे आगे चलने वाले बैलों के बिना गाड़ी रास्ते में आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार पितृयज्ञ भी बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। अतः कल्याण की सिद्धि के लिए महाल्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि माता पिता के श्या के दिन एक उद्दिष्ट श्राद्ध भूलने से भूल से ना किया गया हो तो भी महाल्य श्राद्ध अवश्य करें। यदि अपने पास शक्ति ना हो तो दूसरों से धन की याचना करके भी पितरों का महाल्य श्राद्ध करें। पहले ब्राह्मणों से याचना करनी चाहिए। यदि उनसे धन धान्य आदि की प्राप्ति ना हो तो महाल्य श्राद्ध करने की इच्छा से उक्त क्षत्रियों के यहाँ याचना करें। यदि लोक में वैश्य भी दाता ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए भाद्रपद वास में गोग्रास अर्पण करें। यदि क्षत्रिय ना मिले तो वैश्यों से मांगें। यदि भादो या अश्विनी मास में सूतक आदि के द्वारा श्राद्ध में विघ्न उपस्थित हो तो सूतक का समय निवृत्त होने पर अगन मास के भीतर किसी दिन भी पारण श्राद्ध कर लेना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह महाल्य श्राद्ध के लिए 9 ब्राह्मणों का वरण करे। एक ब्राह्मण पिता के लिए, एक पितामह के लिए, एक परपितामह के लिए, इसी प्रकार मातामह के लिए, परमातामह के लिए, वृद्ध परमातामह के लिए एक एक ब्राह्मण का वरण करें। 2 श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वरण विश्व देवों के लिए करें और एक वेदवेता ब्राह्मण का वरण भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। अथवा पितृवर्ग के लिए एक, मातामह वर्ग के लिए एक, विश्व देवों के लिए एक, भगवान विष्णु के लिए एक, इस प्रकार 4 ब्राह्मणों का महाल्य श्राद्ध के लिए वरण करें। वे ब्राह्मण वेदज्ञ एवं सुशील होने चाहिए। जो खोटे स्वभाव वाले ब्राह्मणों का वरण करता है वे श्राद्ध का घातक होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अपना विशेषता अश्विनी कृष्ण पक्ष में महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। वे श्रद्धापूर्वक इस प्रकार महल्ले जो श्राद्ध करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। महल्ले श्राद्ध नित्य कर्म में गिना जाता है, अतः उसे ना करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वनवास में महल्ले श्राद्ध करने से ही दुख के समुद्र से पार होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए। मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट अत्रि, भृगु, कुत्स, गौतम, अंगरा, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त, पराशर, मृकंड तथा अन्य मुनिवर विधिपूर्वक उत्तम महाल्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके ही अनिमा आदि 8 सिद्धियों, व्रतों और तपस्याओं के निवास स्थान बन गए। महाल्य श्राद्ध करने से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। अतः अपना कल्याण एवं अभ्युदय चाहने वाले पुरुष को महाल्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसका नाम वेदनिधि था। वे महात्मा भरद्वाज का पुत्र तथा कुशथली ग्राम का निवासी था। उसने विधिपूर्वक महाल्य श्राद्ध नहीं किया, इसलिए पितरों के शाप से वह वेताल हो गया। दुराचार, तुम भाद्रपद मास के अश्विनी कृष्ण पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए षड रस भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन कराओ।
ऐसा करने से तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं होगी और तुम सदा सुखी रहोगे। आज से तुम कभी महापातकियों के संसर्ग नहीं रखना। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अब शीघ्रतापूर्वक अपने देश को चले जाओ। योगी दत्तात्रेय मुनि के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुराचार कृतार्थ मन से उन्हें प्रणाम करके अपने देश को चला गया और दत्तात्रेय के बताए हुए मार्ग से अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। उसने महापातकियों का संसर्ग त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने की महिमा से दुराचार देहांत होने पर परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुराचार के उद्धार की पवित्र कथा ये सुनाई। इस प्रकार धनुष कोटि तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के सेतु महात्म्य में शीरकुंड की उत्पत्ति और महिमा, महर्षि मुद्गल को भगवान विष्णु जी का दर्शन। श्री सूत जी कहते हैं, नमीशरण निवासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुष कोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे वर्णन किया, अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो मुनि बोले, सूत जी, हम लोग शीरकुंड का महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई है। तो सूत जी ने कहा, मुनिवरो, परम पित्र देवीपुर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर फुल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहाँ से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है। वह फुल ग्राम अतिशय पुण्यतम क्षेत्र है। वहाँ पर महापातकों का नाश करने वाला शीरकुंड है, जो दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुल ग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुद्गल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्न आत्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हुए। उनकी कांति श्याम मेघ के समान थी। वे पीतांबर से शोभित थे। विनीतानंदन गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुद्गल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विहल हो गए। उनके शीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का स्तवन किया। मुद्गल बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तंत्र जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कच्छप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंद में प्रभु को प्रणाम है। वरा और नरसिंह रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुराम रूपधारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कलिक तथा विज्ञान आत्मा बुद्ध के रूप में आपको नमस्कार है। करना सिंधु, नारायण, जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, चुगलखोर, दम्भी, दुर्बल, प्राय स्त्री, प्राय धन और प्राय क्षेत्र के लिए सदा लोलुप रहने वाला और मन से सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला हूँ। हरे, कृपा मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुद्गल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु में के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, मुद्गल, मैं तुम्हारे स्तोत्र और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। तब मुद्गल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य होगी। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई, मेरा वंश,
मेरे पुत्र, मेरे आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में भविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। योगपरायण योगी लोग अपने हृदय में जिसकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायण को मैं आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन देकर मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान जी को अर्घ दे उनका पूजन किया और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पुरोडाश आदि हविष्य अर्पण किया। विश्ववामन भगवान विष्णु ने महर्षि मुद्गल के द्वारा समर्पित उस हविष्य को स्वयं हाथ से लेकर भोजन किया। तत्पश्चात विष्णु के द्वारा उस हविष्य के भोजन करने पर अग्नि सहित सूर्य देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, ऋत्विक यजमान वहां के ब्राह्मण तथा जीवलोक में कोई भी चिराचर प्राणी थे वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हो गया। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा, सुव्रत, मैं प्रसन्न हूं और वर देने को उद्यत हूं, अतः कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ में हविष्य को भोग लगाया है, इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया, इससे अधिक और क्या वर हो सकता है। तथापि भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कवट भक्ति सदा बनी रहे, ये मेरा प्रथम वर है। माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, ये मेरे लिए दूसरा वर है। मुद्गल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा ने उसे चारों ओर से चार दीवारी लगाकर सब प्रकार से शोभित कर दिया। उसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा, सुरभे, ये मेरे भक्त मुद्गल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को भगवान जी की आज्ञा स्वीकार करो। सुरभि ने संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान जी की आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान जी ने मुद्गल जी से कहा, ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा, तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो, इससे मैं तुम पर प्रसन्न रहूँगा और मेरी प्रसन्नता में तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। ये शीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा, इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्याय पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मुद्गल, तुम देवसान होने पर सब बंधनों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। ये कहकर भगवान विष्णु ने मुद्गल को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुद्गल ने भगवान को प्रणाम और भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुद्गल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुतियां करते हुए मोक्षदायक फुलग्राम में अनेक 100 वर्षों तक निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड के सेतु महात्म्य में कपि तीर्थ की महिमा, उसमें स्नान करने से रंभा और भृताची का शाप से उद्धार। श्री सूर्य कहते हैं, अब मैं कपि तीर्थ के महात्म्यों का वर्णन करता हूं, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमाधन पर्वत पर निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों में उसमें हर्षपूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया, जो मनुष्य भक्ति से विनीत चित्त होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वह महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे।
इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। यमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वरों ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की, स्वामिन आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दे। वानरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्षपूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। ये अति उत्तम तीर्थ कपियों द्वारा बनाया गया है, इसलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुशिक वंश में विश्वामित्र नामक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेक देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथों को देने वाली गाय मांगी। वशिष्ठ जी ने उसे देना अस्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींचकर ले चले। कामधेनु ने मलेच्छों की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मनंदन वशिष्ठ जी ने अपने तप बल से एकमात्र ब्रह्म दंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई। अवश्यम ब्राह्मणत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कोशकी नदी के पापनाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। निराहार और जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीतकर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा, रंभे तुम हिमालय पर्वत पर कोशकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भावों से लुभाओ, जिस प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न पड़े वैसा ही प्रयत्न करो। इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी होकर सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल सी कूक उठी, पीकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि ये सारी करतूत इंद्र की है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को शाप दिया, रंभे मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूं और तू यहां विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है, इसलिए तू 10,00,000 वर्षों तक यहां शिला होकर रहे। विश्वामित्र के इस प्रकार शाप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र को पुनः बड़ी भारी तपस्या करके विशिष्ट के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ा भारी तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम अंगारका था। उस भयानक राक्षसी ने
मूत्र, रक्त और विष्टा आदि के द्वारा उसके आश्रम को गंदा कर दिया और अनेक उपद्रवों से उन्हें स्ताना आरंभ किया। तब श्वेत जी ने कुपित होकर विश्वामित्र के शाप से शिलाभाव को प्राप्त रंभा को ही वायव्य अस्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेरित होकर राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक गई और कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वहीं मर गई और इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणत हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्म की प्रशंसा करती हुई अमरावती पुरी को चली गई। वह राक्षसी भी घृताची नामक अप्सरा थी जो कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभार, घृताची, कपि तीर्थ में स्नान करके शिलाभाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। रामेश्वरम नामक महालिंग की महिमा में श्री सूर्य कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सयुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं, वही द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग साक्षात रामेश्वर का दर्शन करते हैं उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक एक पल में प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रामेश्वरम नामक महालिंग में सब तीर्थ संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि तथा पितर विद्यमान हैं। जो एक समय, 2 समय, 3 समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वरम नामक महातीर्थ का स्मरण या कीर्तन करते हैं वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद में अद्वैत रूप साम शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है, उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं उन लोगों के प्रणाम, स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए गए जो कोई भी पाप हैं वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वरम का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। रामेश्वरम महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। पहली, रामेश्वरम के भक्तों के प्रति स्नेह एवं दया भाव रखना। दूसरी, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरी, स्वयं भगवान रामेश्वरम की भक्ति पूर्वक पूजा करना। चौथी, उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना। पांचवी, श्री रामेश्वर की महात्म कथा श्रवण करने में आदर भाव रखना। छठी, उनके प्रति प्रेम आधिक्य के कारण वाणी का गद होना, नेत्रों में आंसू आ जाना, शीर में रोमांच का उदय होना और भामों का सफुरन होना।
सातवां श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना और आठवां उसी की शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी मनुष्य में भी ऐसी आठ प्रकार की भक्ति हो वह भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। उधर रेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है वे सब वर्णों और सब आश्रम के लोगों को दर्शन शास्त्र के श्रवण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वरम महालिंग के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। योग युक्त धर्मवेता मुनियों की जो गति होती है वही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अम्बा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वरम महालिंग का रूप भगवान शिव में भक्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तमन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वरम महालिंग का चिंतन करती है वही इस पृथ्वी पर धन्य अति धन्य पुरुष है। श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर तीन बार रामेश्वर शब्द का उच्चारण करता है उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे तो फिर उसका जन्म नहीं होता। रामनाथ महादेव करुणानिधे सदा मेरी रक्षा करें, इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। रामनाथ जगन्नाथ धूर्जटे नील लोहित जो इस प्रकार सदा बोलता है उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ महादेव रामेश्वरम सदाशिव सदा ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाता। हे रामेश्वर हे यमराज के शत्रु हे कालकूट वृक्ष का भक्षण करने वाले शिव प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला मनुष्य कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो स्फटिककारी भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वरम का मंदिर बनाता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वरम के स्नान के समय में रुद्र अध्याय चमक पुरुषोक त्रिस्वर्ण पंच शांति तथा पावमानी आदि ऋचाओं को प्रेम पूर्वक जपता है वह कभी नरक का कष्ट नहीं भोगता है। जो रामेश्वरम महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है वे अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में पूजित होता है। दाही से स्नान कराने वाला पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वरम शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाशक बताया जाता है। वस्त्र से छानकर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वरम महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। पुष्पों के सुगंध से वासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वरम महालिंग को स्नान कराने वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वर ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहां कहीं भी स्नान करे सेतु स्नान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य रामेश्वरम शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाता या उसकी मरम्मत कराता है वह 10,000 ब्रह्म हत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पण करता है वह विद्या में अंधकार का भेदन करके प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह दाता को परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वरम में श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार का लाड प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाला रामेश्वरम महालिंग का श्रवण
कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान रामेश्वरम का पूजन, वंदन, स्मरण, श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वरम नामक महालिंग को स्नान कराता है, वे भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता, और जब तक संपूर्ण इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को सदैव रामेश्वरम का वंदन, पूजन, चिंतन और स्तवन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वरम का जो भक्ति पूर्वक सदा भजन करते हैं वे इस भूतल पर सदा सुखी होते हैं और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रामेश्वरम महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह श्री रामेश्वरम की सेवा के उत्तम फल को प्राप्त करता है।